हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस के मोस्ट आईएमपी 50 प्लस क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस का फास्ट रिवीजन करेंगे, तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है कौन सी शाखा है, तो फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है किसकी, सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट है, वस्तु का भार अधिकतम होता है तो कब होता है, निर्वात में होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है, क्या कहलाता है, रेयॉन। नेक्स्ट है, आम का वैज्ञानिक नाम है, मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, अमोनिया गैस का। नेक्स्ट देखते हैं, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है कौन है, जेम्स हैरिसन। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है कौन, बनाए रखता है, तो थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स में। नेक्स्ट, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है कौन है, सीबी देसाई। नेक्स्ट, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है कौन सी, मीथेन। नेक्स्ट है, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है कौन है, मीथेन। नेक्स्ट, सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त गैस है तो CO2 गैस है। नेक्स्ट, सभी गैस शून्य आयतन घेरती है कब, जब तापमान -273 डिग्री हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप माना जाता है कौन सा, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG का प्रमुख संघटक है क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट है, बॉयल नियम लागू होता है कब, नियत तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTP यानी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल होता है, किसी गैस का एक मोल किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर से निकलती है, क्या निकलती है, ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा होती है तो किसके कारण, SO2 और NO2 गैस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। नेक्स्ट है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था कौन सा, नायलॉन। नेक्स्ट, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा है कौन सा है, तो रेयॉन है। नेक्स्ट, जीवाश्मों की उम्र कैसे पता लगाई जाती है, तो रेडियोकार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा, तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है कौन है, फ्लोरीन है। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक है क्या है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट, शर्करा को यकृत बदल देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका, कैरामल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट है, असल या सत्य फल उत्पन्न होता है कहाँ से, तो अंडाशय से। नेक्स्ट है, असत्य फल उत्पन्न होता है कहाँ से, तो बीजांडु से। नेक्स्ट है, पौधे का प्रजनन अंग होता है कौन सा होता है, फूल। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है कौन से, बी और सी।
नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन कौन से, ए डी ई और के। नेक्स्ट, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा है, सेरेब्रम। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग होता है, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है, तो सेरिब्रम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, सुक्रोज में होता है, क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, गन पाउडर मिश्रण है किसका, सल्फर, चारकोल और सोरा का। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कुपोषण होता है किसके कारण, प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, क्वासियोर्कर एवं मरास्मस की बीमारी होती है किसकी कमी से, तो प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, कब हो जाता है, जब थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तब। नेक्स्ट है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो थायमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है कौन सा है, सेल्युलोज। नेक्स्ट, आरएनए का मुख्य कार्य है क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट, प्रोटीन बना होता है किसका, अमीनो अम्ल का, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है कौन से एंजाइम से, तो पेप्सिन एंजाइम से। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में संश्लिष्ट पहला कार्बनिक पदार्थ है कौन सा है, यूरिया। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, किसने किया था, तो वोहलर ने किया था, वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है कितनी है, 46%। नेक्स्ट है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है किस फॉर्म में, तो अमाइड के फॉर्म में। नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र है क्या है, NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में यानी लीवर में बनता है। नेक्स्ट, मूत्र दुर्गंध युक्त होता है किसके कारण होता है, तो यूरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को पाश्चरीकृत किया जाता है कितने डिग्री टेम्परेचर पर, तो 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 50+ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।